आज मेरे को बात नहीं करनी, दर्शन नहीं हुए। आपको मुलाकात नहीं की तो मुझे लगा आपको मुलाकात नहीं की। आप लगातार चुनाव के दरमियान जब चुनाव नहीं होते तो क्या आपको भाव देते थे, और चुनाव हो गए तो कोई टेलीफोन करता है, कोई मैसेज करता है, तो मैं कह सकता है कि टेलीफोन मैसेज की बजाय दर्शन नहीं करूं। आपकी जो इम्पोर्टेंस पूरी बारह में होती है, हमारे कमजोर होती है। अब बताए मैंने जोड़ा से चुनाव का फॉर्म भरा है। आपको पता है कि आपको पता ही है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से एक्टिविस्ट रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद के लिए काम करता था। मुझे बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव लड़ने का मौका मिला और मेरा सौभाग्य रहा कि राजस्थान की दो सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रों से मुझे जनता को प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। नगर में बड़ीपाल नाम की विधानसभा हुआ करती थी, राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा थी। और मुझे यह भी सौभाग्य मिला कि मैं बड़ीपाल के अंदर चुनाव जीता जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे पहले कभी नहीं जीती थी। 2008 के अंदर डीजीपी के बाद में मुझे दोबारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला। दो बार मुझे जनता ने वहां से अपना प्रतिनिधित्व भेजा। मुझे बैरूसिंह शेखावत साहब की सरकार में भी काम करने का मौका मिला और माननीय विष्णु राठी जी की सरकार में भी काम करने का मौका मिला। इन 33 सालों में 1990 से लेकर 2023 तक जितनी मेरी क्षमता थी उस क्षमता के आधार पर मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता और राजस्थान की जनता की सेवा करने की कोशिश की। आपको जानकारी होगी जब अर्जुन शेखावत साहब की सरकार में ऊपर कई विभाग हुआ करते थे, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट भी हुआ करता था। आपका प्लान खत्म हो गया है, आपको प्लान के अधिकार नीति आयोग आ गया है। तो राजस्थान के विकास का और प्रदेश के विकास का और देश के विकास का सबसे बड़ा डेवलपमेंट मॉडल था वो प्लान के नाम। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के आयोजना मंत्री बनते हुए मैंने जो प्रतिवर्ती योजना राजस्थान की बनाई वो हिंदुस्तान के इतिहास में प्राण इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि दर की योजना बनाने का सौभाग्य भी मुझे मिला। आपको ध्यान उष्णता जी के राज में योगी एक मंत्री के रूप में आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले एलईडी लाइट किसी प्रदेश में आई तो एलईडी लाइट मेरे कार्यकाल में मुझे लगाने का रास्ता की जनता को सौभाग्य मिला। अन्नपूर्णा योजना के बारे में आप जानते हैं, अन्नपूर्णा योजना को कंसीव करने की मैंने कोशिश की, अन्नपूर्णा योजना को मंजूर किया। दो टू दो कचरा कलेक्शन की बात के लिए लोग कहा करते थे कि संभव नहीं है। मुझे मेरे राजनीतिक मित्रों ने भी कहा, फिर मैंने कहा कि कोई कोशिश कभी नहीं होगी तो कभी कोई काम नहीं होगा। आज मुझे खुशी है कि दो टू दो कलेक्शन राजस्थान के अंदर बहुत बखूबी के साथ चल रहा है। राजस्थान में मुझे 5 स्मार्ट सिटी लाने का भी सौभाग्य मिला। राजस्थान की सारे जिलों को अमृत योजना में शामिल करने का सौभाग्य मिला। मुझे गंगोत्री नदी के तट पर काम करने का सौभाग्य मिला। मुझे एलिवेटेड रोड पर काम करने का सौभाग्य मिला। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पंचवर्षीय योजना बनाने के बाद उस पंचवर्षीय योजना के कन्वर्जन के बाद राजस्थान जिसे बीमारू राज्य के रूप में माना जाता था तो बैरू सिंह शेखावत साहब के टाइम में राजस्थान को बीमारू की कैटेगरी से बाहर कर दिया। इस बारे में चुनाव फिलहाल हरा हुआ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में मुझे शामिल नहीं किया गया। जैसा कि मैं लगातार मेरी सबसे बड़ी असट राजनीतिक जीवन में वही रही। एक तो मैं जब राजनीति के क्षेत्र में गया तो मेरे परिवार वाले और मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में जाऊं। यहां तक कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का 1990 में पहली बार टिकट मिला तो मेरे टिकट का सबसे बड़ा विरोध करने वाले मेरे पिता थे, मेरी माँ थी, मेरे भाई थे। और यहां तक कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने के बाद में मेरे परिवार के विरोध के कारण माननीय बैरू सिंह शेखावत साहब को मेरे घर आकर के मेरे पिता को मनाना पड़ा और मेरा पिता कभी भी नहीं माना। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ने जा रहा था तो मेरी माने कहा कि लोग कहते हैं राजनीति के चक्कर में अच्छे लोग काम नहीं करते, अब तो हमारी मान नहीं रहा है और बिना माने जा रहा है तो जा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई दाग लगा के मत आओ। मैं समझता हूं मैं 33 साल तक अभी तक राजनीतिक जीवन के अंदर जब खुदा से काम करने की कोशिश की है जिस वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं, मैं समझता हूं सफल रहा हूं। अभी मैंने
कार्यकर्ताओं की आकांक्षा के आधार पर उनके कारण उनका कहना था कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी मनमान यह है कि लोकतंत्र में जीत उसी की होती है जनता जिसको चाहती है और जनता से मिलने का माध्यम होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता की आकांक्षा जनता की आकांक्षा का रिफ्लेक्शन है, उसके आधार पर मेरा फॉर्म भरा। मेरे पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझसे बात की, मेरी अमित शाह साहब से भी टेलीफोन में बात की थी, उन्होंने मुझे कहा कि अपन पार्टी के निर्णय कई प्रकार के होते हैं, कोई व्यक्ति रूप से कई बार सूट करते हैं कई बार सूट नहीं करते हैं। सवाल किसी राजपाल सिंह का किसी और का नहीं है, हम एक लार्जर कैनवास पर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी राजपाल जी अवेलेबल है या राजपाल जी के अलावा कोई अवेलेबल है, सबसे बड़ी जरूरत अभी है राजस्थान की इस भ्रष्ट सरकार से राजस्थान की जनता को छुटकारा दिलवाना। राजस्थान की इस कुराज से, कांग्रेस के इस कुराज से राजस्थान को निकालना, ये जो लार्जर कैनवास है, इस लार्जर कैनवास में काम करने की जरूरत है और इस लार्जर कैनवास में काम करने के लिए छोटी मोटी बातों को अपने आप को निकलना पड़ेगा। और इसी आधार पर, और मुझे याद रहा कि मेरे लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर जिस तरह से मैंने काम किया है, मैंने हमेशा राजस्थान को अपनी आंखों के सामने रखते हुए काम किया है। राजस्थान की जनता और राजस्थान का हित और राजस्थान का विकास के प्रकार के उपाय मैं समझता हूँ वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सरकार लाना ज्यादा बड़ी चुनौती है, इसके बजाय कि मैं चुनाव लड़ूं। और इस आधार पर मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से कल बातचीत की, अमित शाह जी से बातचीत की, बाद में मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से बात की, वसुंधरा जी से बात हुई, राजीव जोशी से बात हुई, अरुण सिंह जी से बात हुई, और इन सबसे बात करने का गुजरगा कि जो लार्जर रोल मुझे राजस्थान की पॉलिटिक्स में, राजस्थान के अंदर जो कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल लाना चाहिए, उसमें योगदान करना चाहिए, उस योगदान के लिए मुझे थोड़ा अपने आप को लिबरेट करना चाहिए। उस आधार पर मैंने तय किया है कि आज मैं अपना नामांकन घोकड़ा विधानसभा से इतना मुझे आपसे निवेदन करना था, इसी के लिए मुझे आपसे बात करनी थी, बातों को लंबी थोड़ी करनी थी, क्योंकि इस मौके पर आपको दर्शन करने का और आपको बातचीत करने का मौका मिल गया, अच्छा लगा, बहुत बहुत फर्स्टली आई डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड विद एंड सेकेंडली यू एनीबडी यू कंटेस्ट सिलेक्शन यू यू एट योर ऑन एफिलिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी इन चेंज इन बिल ऑफ द सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी आई डोंट थिंक ही हैज कंटेस्टेड अदर इलेक्शन अनलेस मी नो टू अर्लियर एंड आई डोंट थिंक ही वाज डिलीवरेड बिकॉज़ ही नेवर वर्क टू भारतीय जनता पार्टी एज सच बहुत काम ऐसे है जो कई बार रुचि हो सकता है, नहीं रहा मैंने कल पे बैठ के राजस्थान की जनता की सेवा मुझे दर्शकता पा सकते थे कि आप कहीं भी बैठ के प्रोडक्टिव हो सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी पॉलिटिक्स में आने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी जनता तक इजीली पहुंचती है, पब्लिक आइज में आती है, फिर फायदा जरूर होता है। पेपर में भी आती हूं और मुझे पेपर अच्छा लगता है, आज अखबार का नाम सबसे अच्छा लगेगा ना, मैं बहुत देर काम करता बड़ा मुश्किल होता, इतनी मानवीय इतना मानव जनरूप तो मुझे भी है, ये मानव जनरूप ही था जिसका मैं राजनीति में आया। इसके बाद मैं मानता हूं कि राजस्थान के अंदर कंट्रीब्यूट करने के बहुत तरीके, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में वन ऑफ दैम, चुनावी राजनीति राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान की बहबूदी के लिए कंट्रीब्यूट करने के अंदर कई डायमेंशन है, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में डायमेंशन है। इस इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर डायमेंशन के अंदर कोई वादा करना, कोई वादा नहीं करना, कोई और चुनाव लड़ना, कोई और चुनाव लड़ना कम बैठक हो। इसमें कोई लड़ा नहीं कि मैंने जितने भी चुनाव लड़ा है हर उस चुनाव में चाहे मैं जीता हो या हारा हो, हर अगले चुनाव में मेरे वोट बढ़े। मेरा ही सौभाग्य है कि मैंने छह चुनाव लड़े, चार जीते और दो हारे, एक मैं बनीपाट में हारा, एक मैं ढोकड़ा में हारा, तो चाहे मैं चुनाव जीता हो या हारा हो, हर मेरे अगले चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले वोट बढ़े। यह भी सही है कि 1993 के चुनाव में राजस्थान में जीतने वालों में सबसे ज्यादा वोट देने का रिकॉर्ड भी मेरे नाम है, तो राजस्थान के इतिहास में 1992 के चुनाव से लेकर अभी तक के चुनाव में मेरे 1,16,500 वोट लेकर हारने का इतिहास भी मिला ही है। अब तक 1,16,500 वोट लेकर कुछ चुनाव में हार गया हो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे को टिकट कितने के कंसिडरेशन हुआ हुआ।
लेकिन जो अपरेंट कंसीडरेशन है उसमें अपरेंट कंसीडरेशन होगी, उम्मीद करते थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इसलिए ये कह रहा कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध होने के कारण टिकट कटा है। तो आपको जाना था मेरा टिकट वसुंधरा राजे राजू जी के जमाने में एक बार 2003 में कटा था। तो क्या वो कटा इसलिए था कि वसुंधरा किसी को नजदीक ही नहीं थी? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसको जा सकता है? नॉमिन फाइल किया तो मिलता, नॉमिन फाइल किया मैं चुनाव के पड़ता हूँ। जब राजगढ़ रोड प्ले कर रहा हूँ राजस्थान के पॉलिटिक्स में, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं कर रहा हूँ सरकार को बदलना, हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। ज्यादा बड़ी चुनौती इसलिए उस छोटी सी चुनौती को फोड़ना पड़ेगा बड़ी चुनौती के साथ में अपने आप को रूबरू करना। मैं बड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर इन सब चीजों से राजस्थान को मुक्त करने की, भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कोशिश, ये चुनौती कोई चुनाव की कोई चुनौती नहीं, रॉन्ग ऑर्डर के मुद्दे करने की कोशिश करूँ चुनाव की कोई चुनौती नहीं। राजस्थान को दोबारा डेवलप करके फास्ट ट्रैक पर ले जाना ये कोई चुनाव की चुनौती नहीं। मैं कहूँ चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान के लिए जिस ट्रांसफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ।